चूचू कबूतर नारियल पानी बेचकर अपना घर का गुजारा किया करता था। सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी ले लो, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो। अरे ओ नारियल पानी वाले, जरा इधर आना। अभी आ रहा हूँ बहन जी। चूचू कबूतर नारियल पानी लेकर बुलबुल चिड़िया के पास जाता है। ये लो बहन जी नारियल पानी। इस तरह चूचू कबूतर पूरा दिन घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। शाम को अपने घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी ये ले आज की कमाई, इसमें से आधा पैसा तू अलग रख दे, टूनी बिटिया के पढ़ाई का काम आएगा। सुनते हो जी, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो, आजकल तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, ऐसा क्यों? टुनटुनी क्या करूं, अपनी बिटिया की भविष्य की थोड़ी चिंता है। चिंता करने से कुछ नहीं होता, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन चूचू कबूतर जब नारियल पानी बेचने जा रहा था, तभी एक चील उन पर हमला कर देता है। इस हमले में चूचू कबूतर की मौत हो जाती है। ये सब एक दूर बैठी रानू चिड़िया देख रही थी। रानू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। टुनटुनी, तू लुट गई, बर्बाद हो गई, तेरे पति को एक चील ने मार डाला। अब मेरा कौन होगा, अब मैं क्या खाऊंगी और क्या करूंगी? कई दिनों तक टुनटुनी चिड़िया चूचू कबूतर की याद में रोती रहती है। एक दिन टुनटुनी की बेटी उसके पास आकर और कहती है, माँ कई दिन हो गए तुमने कुछ खाया पिया नहीं है और रोते रहती हो, इस तरह से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया माँ तो क्या होगा हमारा? प्लीज माँ हमारे लिए थोड़ा सा खा लो, वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा माँ, प्लीज। अपने दिल पर पत्थर रखकर फिर से अपनी जिंदगी की टुनटुनी शुरुआत करती है। टुनी बेटा, मैं नारियल पानी बेचने जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, तू घर पर रहकर घर का ध्यान रख, मैं जल्दी वापस लौट आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह टूनी को समझाती है और नारियल पानी बेचने चली जाती है। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी ताजे ठंडे मीठे नारियल पानी ले लो। तभी कालू कौआ कहता है, अरे ओ टुनटुनी तू अपना नारियल पानी कहीं और लेकर जा बेच, इस जंगल के पंछी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, तू अपनी दुकान कहीं और लेकर जा लगा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला तेरा। ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाके अपना नारियल पानी बेच लूंगी। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी दूर पर जाकर अपना नारियल पानी का ठेला लगाती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उसका एक भी नारियल पानी नहीं बिकता है। जंगल के सभी पक्षी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, नारियल पानी नहीं बिकने के कारण टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। जंगल के पक्षी धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं। तभी डॉक्टर कुकू उन्हें बताती है, आपको पता है आप लोगों की सेहत बिगड़ी है कोल्ड ड्रिंक पीने से, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अच्छे और स्वस्थ रहें तो कल ही से नारियल पानी पीना शुरू। डॉक्टर कुकू हम लोग आज ही से नारियल पानी पीना शुरू कर देते हैं। सभी पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया के ठेले के पास जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अकेले ठेले पर बैठी हुई थी और उदास थी। टुनटुनी हम लोग तुम्हारे ठेले पर नारियल पानी पीने के लिए आए हैं, आज से हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया, क्या तुम हमें नारियल पानी पिलाओगी? हाँ हाँ काका क्यों नहीं, मैं अभी आप सभी को नारियल पानी देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सभी को खुशी खुशी नारियल पानी पिलाने लगती है। अब तो टुनटुनी नारियल पानी बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगती है और अपने बेटी के साथ खुशी खुशी जिंदगी काटने लगती है। हाँ तो मेरे दोस्तों और प्यारे प्यारे बच्चों, अगर जो आपको भी नारियल पानी पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।